हाई एवरी वन आई कविता जांगड़ा वेलकम यू ऑल इन आवर टूडेज ईवीएस क्लास एंड एज यू कैन सी आवर टू डेज टॉपिक इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो हम अपनी आज की क्लास में यह जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास कम्युनिकेशन मीन्स टू टॉक टू वन अनादर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ बात करना लेकिन अभी आपको सिर्फ यही डेफिनेशन लर्न करनी है कि कम्युनिकेशन मीन्स टू टॉक टू वन अनदर लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता कम्युनिकेशन जो है वो यहीं तक लिमिटेड नहीं होता कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिस सोर्स के जरिए हम अपने विचारों को अपनी बातों को अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं उन तक पहुंचा सकते हैं जिस सोर्स के जरिए वो सब क्या है कम्युनिकेशन ठीक है तो जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से बात करके ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं ठीक है तो कम्युनिकेशन क्या है कि जिस भी सोर्स के जरिए हम अपने विचारों को अपनी बातों को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो क्या है कम्युनिकेशन है ठीक है नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इंटू थ्री बेसिक टाइप्स कम्युनिकेशन जो है वो तीन बेसिक टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ बोल कर ही किया जाए ठीक है कम्युनिकेशन करने के और भी कई तरीके हैं वर्बल कम्युनिकेशन इन विच यू लिसन टू अ पर्सन टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि जिसके अंदर आप दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं ठीक है उसकी बात को समझने के लिए या उसके जो अर्थ है उसकी बात का उसको समझने के लिए जब आप दो व्यक्ति जो है वो एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं वो क्या है वर्बल कम्युनिकेशन इसके अंदर क्या है जैसे कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो आती है तो जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप अपना जो मैसेज है उस तक कन्वे कर पाएंगे उस तक पहुंचा पाएंगे ठीक है अगर जो लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं आ रही तो आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है कि जब आप कोई मैसेज या कुछ भी जो इंफॉर्मेशन है वो राइट करते हैं एंड अनदर पर्सन जो है वो क्या करता है उस रिटर्न कम्युनिकेशन जो आपका जो लिखा हुआ जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करता है उसके मीनिंग को उसके अर्थ को समझता है उसको डिकोड करता है वो क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज या रिटर्न इनके थ्रू ही करें तो नॉन वर्बल में क्या है कि हम जो है इशारों से जो कम्युनिकेशन करते हैं ठीक है और जो इसमें हम गेस्चर्स यूज़ करते हैं अपने जो हैंड की मूवमेंट्स है अपने फिंगर्स अपने उंगलियों की मूवमेंट या अपने सिर को हाँ या ना में हिलाकर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच यू ऑब्जर्व ए पर्सन एंड देयर इंटर मीनिंग जिसके अंदर आप किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हो और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हो वो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि जब किसी के गेस्टर्स जैसे किसी के हाथों की मूवमेंट या उंगलियों की मूवमेंट या फिर जैसे कोई सिर में हाँ या ना करके जवाब दे रहा है तो उसको जब समझने की कोशिश कर रही है जब इस टाइप से कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सो यहाँ पर हमने थ्री टाइप्स की कम्युनिकेशन पढ़े हैं वर्बल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नव there डेज देयर आर सेवरल वेज टू कीप इन टच तो आज के टाइम में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे के साथ टच में रहने के यानी एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के एक दूसरे को अपनी बातों को पहुंचाने के अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के आज के टाइम में हमारे पास बहुत तरीके हैं ऑल दोज मीन्स वी कॉल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इन सभी तरीक़ों को हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन हालांकि पहले के टाइम में पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था क्योंकि तब टेक्नोलॉजी जो है वो इतना एडवांस नहीं थी उस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो मैसेज है वो कन्वे करने यानी जो मैसेज है अपना मैसेज अपनी बातों को पहुंचाने में बहुत समय लग जाता था बट अब ऐसा नहीं है अब हमारे पास मोबाइल है कंप्यूटर है ईमेल की सुविधा है जिसके जरिए हम किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए व्यक्ति से भी महज कुछ ही सेकेंड्स के अंदर कम्युनिकेट कर पाते हैं तो कम्युनिकेट करने के क्या क्या तरीके हैं वो देखते हैं लेटर्स वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड एंड एंड रिलेटिव पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एट आवर डोर स्टेप्स लेटर्स पहले के जो टाइम है उस टाइम लेटर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ करता था उस टाइम रिटर्न लेटर्स होते थे हैंड रिटर्न लेटर्स जो हाथों से लिखे हुए लेटर्स जो हैं वो एक दूसरे तक पहुँचाए जाते थे बट आज के टाइम में क्या है कि जो लेटर्स हैं वो क्या है कंप्यूटर लैपटॉप इन सब पर टाइप किए जाते हैं कीबोर्ड से टाइप किए जाते हैं तो लेटर्स क्या हैं जो हम अपने फ्रेंड अपने दोस्तों रिलेटिव्स को जो भेजते हैं वो वो क्या है लेटर्स और उनको डिलीवर कौन करता है पोस्टमैन पोस्टमैन डिलीवर लेटर्स एट अवर डोर स्टेप्स तो लेटर्स को कौन डिलीवर करता है पोस्टमैन लेटर्स को कौन डिलीवर करता है पोस्टमैन नेक्स्ट देखिए न्यूज पेपर्स सबके घरों में न्यूज पेपर्स आते हैं हिंदी इंग्लिश द दे हिंदू दैनिक जागरण दैनिक भास्कर तो इस तरह से सबके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं तो न्यूज़ से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है नेशनल इंटरनेशनल यानी देश विदेश में जो भी घटनाएं जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सब की न्यूज़ हमें किसके थ्रू मिल जाती है न्यूज़पेपर के थ्रू तो न्यूज़पेपर में एक साथ बहुत सारे लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जा रही है तो इस तरह से न्यूज़पेपर जो है वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ मास कम्युनिकेशन जो है किसके थ्रू होता है न्यूज़ के थ्रू जैसे कि कोई भी लीडर है कोई भी नेता है वो कुछ बोलता है तो वो अपनी बात पूरे देश में पहुंचा जाता है तो न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो उसकी बात सब लोगों तक पहुंच जाती है तो इस तरह से ये क्या हुआ मास कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर इज द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर जो है वो सबसे कॉमन तरीका है कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन तरीका कौन सा है न्यूज़पेपर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज टेलीफोन टेलीफोन के अंदर आपके जो मोबाइल फ़ोन अब के टाइम के हैं वो भी इंक्लूड होंगे सो टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फास्टेस्ट मीन्स मतलब सबसे तेज तरीका सबसे तेज कौन सा है कम्युनिकेशन का सबसे तेज तरीका टेलीफोन इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टॉकिंग टू समबडी एल एवर ए लॉन्ग डिस्टेंस यानी इस तरीके से जो है वो हम बहुत दूर बैठे यानी इवन बहुत दूर बैठे दूसरी कंट्री में बैठे हुए पर्सन से भी बात कर सकते हैं यानी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम बहुत दूर बैठे हुए पर्सन से भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसके जरिए मोबाइल फोन्स टेलीफोन्स के जरिए टेली तो इस तरीके से फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ टेलीफोन जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा टेलीफोन होगा अब जो है अब तो मोबाइल फोन्स के जरिए जो है वो आमने सामने एक दूसरे को देख कर वीडियो कॉलिंग के थ्रू एक दूसरे को देख भी बातें की जा सकती है नेक्स्ट है कंप्यूटर नवा डेज वी कैन टॉक टू आवर रिलेटिवस एंड फ्रेंड्स फेस टू फेस ऑन द कंप्यूटर आज के टाइम में क्या है कि हम अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स यानी अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो फेस टू फेस आमने सामने एक दूसरे को देख कर जो है बातें कर सकते हैं तो ये किसके जरिए कर सकते हैं हम कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर इज़ यूज वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर जो है वो हर जगह यूज़ हो रहा है सभी कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है जैसे अभी कोरोना के टाइम में क्या था कि सभी लोग जो है अपने घर पर बैठ कर काम कर रहे थे तो जो उनकी मीटिंग्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंसिस हैं वो किसके थ्रू की जा रही थी कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के जरिए की जा रही थी तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो एक कम्युनिकेशन का अच्छा तरीका है नेक्स्ट है टेलीग्राफ रेडियो टेलीविज़न ये सब भी क्या है कम्युनिकेशन के तरीके तो टेलीग्राफ रेडियो ये सब जो है पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे टेलीविज़न वी वॉच न्यूज़ कार्टून सीरियल्स ऑन द टेलीविज़न जो न्यूज़ या कार्टून सीरियल्स जो है वो हम किस पे देखते हैं टेलीविज़न पर देखते हैं तो टेलीविज़न भी क्या है एक कम्युनिकेशन का तरीका क्योंकि उस टाइम में जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन कोई न्यूज़ हमें मिल रही है तो क्या हम क्या कर पा रहे हैं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो क्या हुआ कम्युनिकेशन सो so, ये थी हमारी आज की क्लास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें इसे शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो